Good morning students. Today we will do question answer of lesson 11, rain in summer. So first question is, what are the words in the poem that describe the spring? Means aise kaun se word hai jisse ye pata chalta hai ki street ko describe kiya gaya hai, gali ke hone ka pata chalta hai jisse. So iska answer hai road and fiery are the two words that describe the street. तो दो वर्ड कौन से हैं? ब्रॉड मीन्स स्ट्रेट इज ब्रॉड, नैरो ब्रॉड थी ना वो, और फायरी मीन्स आग उगलने वाली थी, मीन्स गर्मी बहुत ज्यादा थी समर की. तो इन दो वर्ड से पता चलता है कि जो ये दो वर्ड्स हैं दैट डिस्क्राइब द स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलकम रेन? वेलकम रेन का क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट द रेन इज वेलकम बिकॉज इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम द डस्ट एंड हीट ऑफ समर. वेलकम किया जाता है रेन का, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये गर्मी से बचाती है और उस डस्ट से बचाती है, उससे हमें रिलीफ देती है, रिलीफ मिलता है, तो इसलिए इसका वेलकम किया जाता है. मीन्स गर्मी की, गर्मियों की जो गर्मी होती है उससे और डस्ट से हमें रिलीफ देता है कौन? रेन. नेक्स्ट चेंज द पॉइंट लाइक्स द रेन वॉय. क्या आपको लगता है कि पॉइंट को भी रेन अच्छी लगती है? क्यों? द पॉइट लाइक्स द रेन बिकॉज इट ब्रिंग्स रिलीफ टू पीपल सफरिंग फ्रॉम समर हीट. क्योंकि यह उन लोगों को रिलीफ प्रदान करता है, रिलीफ करता है जो समर की हीट से सफर हो रहे हो, यानी कि प्रभावित हो रहे हो, इसलिए पॉइट को भी रेन जो है अच्छी लगती है. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेन क्लैटर्स अलोंग द रूफ लाइक. जो रेन है वो क्लैटर करती है छत पर किसकी तरह? द ट्रैम ऑफ हूफ्स. इसका आंसर है खुरों की तरह, खुरों की साउंड होती है, जैसे घोड़े के खुर होते ना, उसकी साउंड की तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द रेन इज. आपने ये बताना है, डिस्क्राइब करना कि रेन कैसी है. द रेन इज ब्यूटिफुल, द रेन इज नैरो, द लेन इज नैरो, लेन कैसी थी? तंग. द टाइड इज मडी, जो लहरें थी वो कैसी थी? कीचड़ वाली थी, गंदे पानी की थी. ठीक है बेटा, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 11. यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न इट. ओके बेटा, थैंक यू.